नमस्कार, मैं हूं सीके सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय चैनल अखंड हिंदी न्यूज 24 बार के सिद्धि। दैनिक भास्कर ग्रुप के कई ठिकानों पर गुरुवार 22 जुलाई को आयकर विभाग ने छापा मारा। टैक्स चोरी के आरोप में कई शहरों में ये कार्रवाई की गई। ग्रुप के भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद और कई अन्य शहरों में बने दफ्तरों ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग के अफसर जांच पड़ताल में जुटे। आधिकारिक सूत्रों से जानकारी दी गई कि ग्रुप के प्रमोटर्स के घरों और ऑफिसों पर भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्रवाई को लेकर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। सरकार ने भी इस पर जवाब दिया है। दैनिक भास्कर का क्या है कहना। दैनिक भास्कर ने अपने वेब पोर्टल पर एक खबर प्रकाशित की जिसमें लिखा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकारी खामियों की असल तस्वीर देश के सामने रखने वाले दैनिक भास्कर ग्रुप पर सरकार ने दबिश डाली है। भास्कर समूह के कई दफ्तर पर गुरुवार तड़के इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। विभाग की टीमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से दफ्तरों पर पहुंची और वहां कार्रवाई जारी है। ये भी कहा कि खबर रेट डालने आए आईटी अधिकारियों को पढ़ाकर पब्लिश की गई है क्योंकि उनका निर्देश है कि हर खबर दिखाकर ही पब्लिश करनी है। खबर में आरोप लगाया गया कि आईटी विभाग की टीम ने भास्कर में काम करने वाले कई लोगों के घरों पर भी रेड किए हैं। दफ्तरों में मौजूद कर्मचारियों के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। नाइट शिफ्ट के लोगों को भी दफ्तर से बाहर जाने से रोक दिया गया है। हालांकि रेड में शामिल अधिकारियों ने दावा किया कि यह सब उनके प्रोसेस का हिस्सा है। पंचनामा आदि कार्रवाई होने के बाद कर्मचारियों को जाने दिया जा रहा है। वहीं विपक्ष की नेता व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा, पत्रकारों और मीडिया घरानों पर हमला लोकतंत्र को कुचलने का एक और क्रूर प्रयास है। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे कोविड संकट को गलत तरीके से हैंडल किया और एक भयंकर महामारी के बीच में देश को उससे सबसे भयावह दिनों में से ले गए। दैनिक भास्कर ने इसे बहादुरी से बताया, मैं इस प्रतिशोध भरे कृत्य की कड़ी निंदा करती हूँ। इसका उद्देश्य सत्य को सामने लाने वाली आवाज को दबाना है जो लोकतंत्र के सिद्धांतों को कमजोर करता है। मीडिया में सभी से मजबूत रहने का आग्रह है। हम सब मिलकर निरंकुश ताकतों को कभी असफल नहीं होने देंगे। वहीं CPIM के महासचिव सीताराम येचुरी का कहना है कि मोदी सरकार का रेड राज काम नहीं करेगा। सच को डराने और दबाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन जैसे गंगा में सब तैरने लगे थे, मोदी सरकार भी छिप नहीं सकती। दबाने के लिए सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग निंदनीय है। अब इन सब पर सरकार ने क्या जवाब दिया, वो भी हम आपको बताते हैं। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देने के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय खेल और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से इस बारे में सवाल किए गए। उनसे पूछा गया कि आरोप लगाए जा रहे हैं दैनिक भास्कर पर जो इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश है, इस पर आपका क्या कहना है। तो अनुराग ठाकुर ने कहा, आमतौर पर हम लोग बहुत सारे प्रश्न कैबिनेट के निर्णय पर ही रखते हैं। पार्लियामेंट भी चल रही है, बाकी जगहों पर भी आपके प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, एजेंसियां अपना काम करती हैं, उसमें हमारी सरकार की कोई दखल अंदाजी नहीं होती। इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरी जानकारी जरूर लेनी चाहिए। कई बार जानकारी के अभाव में भी बहुत सारे विषय ऐसे आते हैं जो सच्चाई से परे होते हैं। बीजेपी नेता के यहाँ भी पड़ा छापा। आयकर विभाग ने इसके अलावा यूपी के जौनपुर में भाजपा नेता और शराब व्यवसायी ओम प्रकाश जायसवाल के फार्म हाउस और आवास पर भी छापेमारी की। ओम प्रकाश जायसवाल 2012 में सहागंज विधानसभा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। इस समय उनके छोटे भाई प्रदीप जायसवाल की पत्नी गीता जायसवाल नगर पालिका परिषद सहागंज की चेयरमैन है। वहीं इस खबर पर आपका भी क्या कहना है, वो भी आप बताएं। आपके प्रति उत्तर को भी हम प्रमुखता से अपने चैनल पर दिखाएंगे। आने वाली नई अपडेट के लिए बने रहिए अखंड हिंदी न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।